कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते सिंगरौली जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही जिले में कर्फ्यू लागू किया गया है। जिला कलेक्टर ने सख्ती से लॉकडाउन के पालन के निर्देश भी दिए हैं। सिंगरौली जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले से लगी सभी सीमाओं को सील किया है। साथ ही जिले में कर्फ्यू लागू किया गया है। इतना ही नहीं, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अपर कलेक्टर डीपी वर्मन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने नेतृत्व में आज परसोना कन्वेयर के पास स्थित नाका में संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे और एसडीएम ऋषि पवार के द्वारा कई आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। साथ ही एसडीएम ऋषि पवार ने कोविड नाका में बाहर से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की। बिना जरूरी काम के बाहर निकले लोगों को वापस उनके घर भेजा गया। इसके साथ ही बिना कारण के घर से निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सड़क पर निकलने वाले लोगों को हिदायत दी कि अपने घरों में रहे, अनावश्यक बाहर ना निकले। यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है और डॉक्टर मदर द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं और जो जिले में चल रही परियोजनाओं जिसमें बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है और जो भी बहुत अत्यावश्यक जो वाहन चल रहे हैं उसके संबंध में आज हमने चेकिंग करी। उसमें कई लोग जो अनावश्यक रूप से जो पहन रहे थे उनको वापस किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।